All right, so we are back with that big development that has taken place in Madhya Pradesh elections campaign, and Kamal Nath there pleading with his Muslim constituents to vote en masse and actually telling them 80% is not enough, that if it's less than 90%, the Congress party would be in trouble. Are we going? Let's go back to the story, and with us is Prabhat Jha. Mr. Jha, welcome. We have it on video. Kamal Nath, senior Congress leader from Madhya Pradesh, asking Muslims to vote en masse for the Hindi. Ji. Well, yes. Prabhat Jha ji, welcome. हमारे पास एक वीडियो है जो हम पिछले दो घंटे से प्ले कर रहे हैं, जिसमें कमलनाथ जी, कांग्रेस के सीनियर लीडर, वो कह रहे हैं अपने लीडर्स को उस रूम में कि मुस्लिम्स का 90% वोटिंग कांग्रेस पार्टी के लिए होना चाहिए. वो क्लियरली मुस्लिम वोट मांग रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए और कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का भला नहीं होगा अगर 90% मुस्लिम वोट नहीं करेंगे. I am not giving an answer in English because our constancy is a Hindi constancy, so I am speaking in Hindi. हमने ये आपका वीडियो देखा. जी जी, हिंदी में बोलिए, हिंदी में बोलिए, नो प्रॉब्लम. पूरी तरह से ये आपत्तिजनक है, ये पूरी तरह से आपत्तिजनक है. मध्य प्रदेश शांति का टापू है. इस शांति के टापू को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने का काम कर रहे हैं. आपके पास तो एक वीडियो आया है शाम को 7 और 8 बजे के बाद. यही काम पूरे मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की बैठकें हो रही हैं. दे वांट टू प्रोवोक द मुस्लिम और वो यही कह रहे हैं, एनी हाउ यू जस्ट सेव द कांग्रेस. कांग्रेस कैन, मुस्लिम कैन सेव द कांग्रेस, अदरवाइज कांग्रेस विल बी डिस्ट्रॉय. कांग्रेस बर्बाद हो जाएगी और अनुसूचित जनजाति और जाति का अपमान कर रही है. क्या इसमें एडमिशन है कि कांग्रेस पार्टी को ग्राउंड पे ट्रैक्शन नहीं मिल रहा है, उनको हिम्मत नहीं आ रही है? जी नहीं आ रही है. आप इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे? वो पूरी तरह से समझ गए कि उनकी गवर्नमेंट नहीं बन रही है, इसलिए कम्युनलाइज करना चाहते हैं वो. और हमने अभी चुनाव आयोग से डिमांड करने जा रहे हैं कि सेव मध्य प्रदेश एंड अरेस्ट हिम, इनको गिरफ्तार करो, क्योंकि 84 के दंगे में भी कमलनाथ जी आरोपी थे और हमको आशंका है, डाउट है कि ये पूरे मध्य प्रदेश को चुनाव के सांप्रदायिकता के आग में झोंकना चाहते हैं. इस वीडियो में उन्होंने यह भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन के पास आप तो निपटो, जैसा करना है करिए, हमको वोट दीजिए. उसमें थ्रेट है क्या? आरएसएस के लिए थ्रेट है, बीजेपी के लिए थ्रेट का एलिमेंट है उनके उस कथन में कि हम देख लेंगे उनको बाद में? यही तो कहा उन्होंने कि 1 महीने के बाद हम आरएसएस से निपट लेंगे. आरएसएस का क्या? देखिए क्या है, आरएसएस के नाम पर मुस्लिमों को वर्षों से ये लोग डरा रहे हैं, दुर्भाग्य है ये. लेकिन इस तरह चुनाव में हारने के डर से आप कम्युनलाइज करोगे किसी चीज को, सांप्रदायिकता फैलाओगे, ये अगेंस्ट द लॉ है, अगेंस्ट द इलेक्शन कमीशन के जो चीजें हैं उसके खिलाफ है. हम आज जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के पास और थाने में भी जा रहे हैं रिपोर्ट करने के लिए कि इनके मूवमेंट पे रोक लगे, इनको गिरफ्तार करिए. इन इंटरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश यू मस्ट अरेस्ट द कमलनाथ. थैंक यू. आपकी सरकार 15 साल रही है प्रभात झा जी, यू हैव बीन इन पावर फॉर 15 ईयर्स नाउ. यू थिंक दैट कांग्रेस पार्टी फियर्स के कुछ मुसलमान ऐसे भी होंगे जिन्होंने आपका काम देखा है और शायद बीजेपी को वोट दें, इसलिए डर है, इसलिए वो लोग इतना ओपनली कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे थे कमलनाथ जी? देखिए मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने जितने भी प्रोग्राम्स बनाए हैं वो सारे प्रोग्राम्स हिंदू मुस्लिम देखकर नहीं, सबके लिए है, सबका साथ सबका विकास. इसलिए मुस्लिम भी जानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान और भाजपा एक अच्छी पार्टी है और उनके मत हमको मिलते रहे हैं, इसलिए ये घबरा गए और बार बार बोल रहे हैं कि पिछली बार आपका मत खराब मिला, 8 में ऐसा हुआ, आप हर पोलिंग पे जाइए चाहे जो करना पड़े. इट इज नॉट ए लैंग्वेज ऑफ इलेक्शन, इट इज ए लैंग्वेज ऑफ प्रोवोक द मुस्लिम. And he's trying to provoke the Muslim. He's just trying to communalize the election. And अच्छा, so Congress, we want to save the Madhya Pradesh and arrest immediate Kamalnath ji. एक सवाल और पूछूंगा. कांग्रेस की थोड़ी डुप्लिसिटी दिखती है.
जहां वो उनके जो कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी हैं वो तो मंदिर मंदिर जा रहे हैं और कमलनाथ जी बंद कमरे में कह रहे हैं कि मुसलमानों को 90% की कम से कम वोटिंग होनी चाहिए कांग्रेस के फेवर में। देखिए कांग्रेस ना हिंदू की है ना मुसलमान की है, सिर्फ कुर्सी की है। दे वांट ओनली चेयर, दे आर हंगर ऑफ पावर ओनली एंड ड्यू टू हंगर एंड इज ऑफ पावर दे आर डूइंग एनीथिंग। ऑल राइट, सो ही ट्राइंग टू प्रोवोक, ऑल राइट, एंड दे से दैट आई एम अ सॉफ्ट हिंदू एंड एवरीबडी नो कि दे आर नॉट सॉफ्ट हिंदू, हार्ड हिंदू, दे आर नॉट हिंदू, दे आर नॉट मुस्लिम, दे आर जस्ट कम्युनलाइज द इलेक्शन एंड सो आई रिक्वेस्ट द इलेक्शन कमीशन टू सेव द मध्य प्रदेश एंड अरेस्ट कमलनाथ एंड आई जस्ट वी आर गोइंग टू गिव ए मेमोरेंडम। All right, thank you so much, Prabhat Jha ji. This was Prabhat Jha, Vice President of BJP, saying that this is a dangerous politics that the Congress party is playing, that the BJP will go to the election commission. Not only that, in fact, BJP is going to make a police complaint also against Congress party leader Kamal Nath. That's a